फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यमी मम्मी। आज हम जा रहे हैं शौर्य की नानी के घर। एक्चुअली मुझे लगवाना है शौर्य की वैक्सीनेशन, तो मेरे घर के पास वाला ही डॉक्टर है, क्योंकि सिंस चाइल्डहुड जब भी शौर्य छोटा था तब मैंने वहीं पे ट्रीट कराया था शौर्य को, एंड वही डॉक्टर उसे सूट करता है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। आज संडे का दिन है तो मैंने सोचा चलिए मम्मी के यहाँ भी हो आती हूँ, तो वहीं मैं वैक्सीनेशन लगवाऊंगी एंड फिर मम्मी के घर जाऊँगी एंड उसके बाद शायद थोड़ा मार्केट वगैरह भी जाऊँ। तो मैंने सोचा आप लोग को भी लेकर चलती हूँ, तो चलते हैं। राइट नाउ वी आर इन द कैब। मैं कार ड्राइव कर लेती हूँ बट मैं शौर्य के साथ अभी अकेले ड्राइव नहीं कर पाती हूँ, तो हम कैब से ही जाना आना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ घर एंड मैं बैठी हूँ अपने घर में एंड शौर्य मेरे पास नहीं है, वो अपनी बहनों के साथ खेल रहा है। मैं रेस्ट कर रही हूँ थोड़ी देर, मुझे भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए। मम्मी बना रही है खाना संदीप के और मेरे लिए, वो भी आने वाली हैं बस थोड़ी देर में हमें पिकअप कर लें। ये स्टार्ट हो गई है शौर्य की शैतानी। शौर्य को बहुत मज़ा आता है नानी के घर, वो मेरे हाथ ही नहीं आता है, वो भागम भाग खेलता ही रहता है। यहाँ पे उसकी बहनें होती हैं तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है, क्योंकि वो उनके साथ काफ़ी बिजी हो जाता है। आप देख सकते हैं शौर्य इस स्विंग पर कितना एंजॉय कर रहा है। शौर्य को इस पे बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी बहनें इस पे उसे पकड़ के बैठ जाती हैं, क्योंकि वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकता है। ये स्विंग हमारा हमारे गार्डन में रखा है, तो वहीं पे ये बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं। अब ये लग गया है हमारा खाना। एज़ यूजुअल मम्मी तो हमारे लिए बहुत सारा खाना बना लेती हैं। मम्मी के हाथ का खाना तो मैं भी बहुत मिस करती हूँ, तो मैं भी सोचती हूँ चलो जिस दिन भी मौका मिल जाए मम्मी के हाथ का खाना एंजॉय करना चाहिए। तो उन्होंने हमारे लिए बनाया था पनीर बटर मसाला, दाल एंड रायता। सो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से अपना मील लिया। सबसे पहले ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड स्टार्ट करते हैं, फिर मैं खाती हूँ। शौर्य को देखना जो होता है, शौर्य गया है पीछे अपनी नानी के पास। आप देख सकते हैं वो अपनी नानी से कुछ मांग रहा है एंड नानी को समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोग अब मील खाने बैठ गए हैं, शौर्य को उसकी बहन देख रही है, पता नहीं वो क्या समझा रहा है नानी को। ये संदीप शौर्य को लिए बैठे हुए हैं, वो सो गया है कि नहीं सीधे साइड में जाके अपनी शॉपिंग कर रही थी। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ घर। हाय राम, आपने देखा होगा शौर्य कितनी शैतानी करता है। वहाँ पे उसकी बहनें होती हैं तो काफ़ी हद तक उसे डील कर लेती हैं एंड जैसे ही संदीप आ गए उन लोगों की मस्ती शुरू हो गई। बहुत शैतानी करते हैं वो, उसको वहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब एक्चुअली जाना है मेरे हस्बैंड को एक शादी में, तो वो काफ़ी जल्दी निकलेंगे, तो वो अभी उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपसे बात कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि शौर्य की नानी ने उसके लिए इस बार कितना सुंदर स्वेटर बनाया है। वो हर साल उसके लिए बनाती हैं, लेकिन इस साल उन्होंने एक बहुत ही प्यारा येलो कलर का स्वेटर बनाया है एंड मैं लास्ट ईयर वाला भी आपको एक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है एक ब्लू कलर की जैकेट, ये बिल्कुल हैंड नेटेड स्वेटर है, इसकी नानी के ने ही बनाया है। इसमें जिप विप लगा के बहुत ही स्मार्ट स्वेटर है ये। एंड ये है जो अभी उन्होंने लेटेस्ट उसको बना के दिया है येलो कलर का स्वेटर। इस बार मैंने उनसे मना कर दिया था कि कोई जिप ना लगाए, क्योंकि शौर्य सारे स्वेटर्स की जिप खोल देता है, तो इस बार उन्होंने इस तरह से यहाँ पे बटन्स लगा दिए हैं सो दैट मुझे इसको बनाने में दिक्कत ना हो। वो बहुत ही सुंदर स्वेटर बनाती है एंड शौर्य के पास बहुत सारा कलेक्शन है अपनी नानी के हाथ के स्वेटर का। तो ये तो थी शौर्य के लिए एंड मैं मार्केट गई थी, मैं मार्केट के लिए वापसी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में शॉपिंग कर रही थी। तो मार्केट से मैंने सिर्फ एक ईयरिंग्स लिए हैं जो मुझे कल ड्रेस पहननी है। मैंने कल ऐसा कुछ खास नहीं पहन रही हूँ, मैं सिर्फ एक मैंने नया फैंसी सूट लिया है वो पहन रही हूँ, जो अभी तक स्टिच होके नहीं आया है। अभी मैं टेलर को बोल के आई हूँ भैया जल्दी कर दो मुझे कल पहनना है, तो बस मैं उसी की मैचिंग की एक ईयरिंग्स लाई हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं अभी इन्हें ट्राई कर रही थी, ये इस तरह से हैं। उस वो मेरा ब्लू एंड रेड कंट्रास्ट में है, तो मैं ये रेड रेड मरून ले आई हूँ, एग्जैक्ट रेड तो मिल नहीं रहे थे। तो इस तरह से ये स्टड्स हैं बड़े वाले, बस यही लेके आई मैं मार्केट से एंड टू पेयर ऑफ सॉक्स, वूलन सॉक्स, इनकी बहुत ज़्यादा नीड थी मुझे। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा छोटा सा मायके का व्लॉग, छोटी मोटी शॉपिंग जो मैंने की अपनी कल की एनिवर्सरी के लिए। कोशिश करूँगी कि मैं कल आप लोगों के साथ पूरी व्लॉग शेयर कर पाऊँ कि हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं। कुछ थोड़ी बहुत प्लानिंग तो हमने कर रखी है, बट लेट्स सी कि कल कितना हम उन चीज़ों को फॉलो कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में। जो मैं काम कराने गई थी मेन, वो तो मैं आपको बताना भूली गई, मैं गई थी शौर्य की वैक्सीनेशन लगवाने। सच अ बैड लक ना, डॉक्टर आज बैठी नहीं, आज वो कहीं कॉन्फ्रेंस में आउट ऑफ टाउन गई हुई थी एंड मैंने भी सोचा सिर्फ वैक्सीनेशन लगवा दी, तो मैंने भी फ़ोन नहीं किया था क्योंकि घर के पास है, तो मैंने कहा चलो ठीक है देर सवेर होगी एडजस्ट हो जाएगा।
बट आज वो आउट ऑफ टाउन है एंड वो इवनिंग में बैठती नहीं है, तो आज सॉरी की वैक्सीनेशन भी नहीं लग पाई। अब विल सी कि हम कल लगवा लें या नेक्स्ट वीकेंड लगवाएंगे। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, फैमिली व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।